वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की फरमाइश पर मैं ज़बरदस्त से सिंपल तरीके से चिकन मोमोज बनाती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ एक कप मैदा है, इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और एक टीस्पून तेल। तो ये चला गया एक टीस्पून तेल। और अब हम ग्लव्स पहनते हैं और इसको गूंथते हैं। डो हमें गूंदना है ना सॉफ्ट साइड पे ना हार्ड साइड पे, दरमियाना सा आटा गूंदेंगे। कोई ख़ास इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पहले मिक्स कर लेंगे इसको। वैसे अगर आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। चले तब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। आटा ही इतना कम है इसलिए बड़ा सोच समझ के पानी डालेंगे, बहुत सारा नहीं डाल देंगे। जहाँ जहाँ ड्राई लगेगा वहाँ डालते जाएंगे। चलो अब इसको, पानी तो हमने जितना डालना था डाल दिया, 4 टेबलस्पून हमने पानी डाला है। अब आप देख लीजिएगा कम ज़्यादा जो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालने का है ना नरम करने का है। चले इसमें 1 टीस्पून हमने पहले डाला था तेल और अब 1 टीस्पून डालेंगे और इसको फाइनल कर देंगे। बस अब इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट देते हैं, तो कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं। और जब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं, तो स्टफिंग के लिए हमारे पास यहाँ देखें 1 पाउंड कीमा है, यानी आधा किलो के आसपास। जितनी स्टफिंग ज़्यादा होगी इतना ही मज़े का लगेगा, तो बहुत कम स्टफिंग नहीं रखें वरना तो आटा ही आटा लगेगा। तो देखिए ये चिकन का कीमा है, आपको जो लेना हो ले। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इसको, जैसे धो के जब निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये जैसे हल्का हल्का ढीला, इस तरह से हल्का हल्का ढीला चाहिए। और ढीला करने के बाद इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे, इससे क्या होगा कि इसमें एयर आ जाएगी, जुड़ा जुड़ा सा नहीं रहेगा, हल्का हल्का यूँ इस तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस। और यहाँ देखें हमारे पास कुछ वेज है, जिसमें हमारे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई टाइप की हरी मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून भुट्टा है। अगर आप जैसे सब्जियां तो जो आपको अच्छी लगती है वो डालें, ना डालना हो तो ना डालें। तो 2 टेबलस्पून भुट्टा है, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ है, 2 टेबलस्पून हरी प्याज है और 2 टेबलस्पून बंद गोभी है। तो ये सब डाल देंगे इसमें। इसमें क्या अलग अलग टेक्स्चर एंड फ्लेवर भी आएगा, हेल्दी भी हो जाएगा कि थोड़े वेज गए और ख़ूबसूरत भी लगता है, कलर कलर होता है। तो चले अब इसको मिला लेते हैं। और यहाँ हमारे पास देखिए चिली गार्लिक सॉस है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। ये मैं 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ, इससे और मज़ेदार लगता है। बस अब अच्छे से मिला लें इसको। बाकी आपके पास जो अवेलेबल हो वो भी डाला जा सकता है, आपको जो पसंद हो वो भी डाला जा सकता है। बाकी टेक्सचर जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का ढीला टाइप का, थोड़ा सा ढीले की साइड पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं लेकिन सख्त की साइड पे नहीं, क्योंकि स्टीम होगा तो अंदर से बड़ा ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर रखना है। चलिए ये तो हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। अब हमारे आटे को सेट होने में 5 मिनट रह गए हैं,
तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई है और हमारे आटे को अच्छा सा रेस्ट मिल गया है। तो अब ये हम आटा देखें अच्छा सा हो गया है। तो अब छोटा सा बॉल तोड़ते हैं इसमें इतना, बाकी को कवर करते हैं। चलिए अब इसकी छोटी सी पूरी बनाते हैं, पूरी की तरह बेलते हैं। देखिए ड्राई फ्लावर में भी डाल सकते हैं और इसको बेल लेंगे और कोशिश करेंगे कि किनारे जो है ज़्यादा बारीक हो। देखिए इस तरह से कि हमारी उंगली नज़र आनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इतनी बारीक होनी चाहिए। तो बस ये हमारी हो गई और अब हम अपनी फिलिंग लेते हैं और जितनी फिलिंग आपको डालनी हो डालें, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो मज़े के ज़्यादा लगेंगे। तो ये देखें मेरे पास ये टीस्पून है, ये भर भर के मैं 2 डाल दूँगी और अब आसपास थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं और इससे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है मैं बड़ा इसलिए बना रही हूँ कि ये सबसे सिंपल है बनाने में, तो ये सबसे पहले बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी रोटी जैसे अभी बनाई है ना ऐसी बनाएंगे और इसको अब डबल कर लेंगे। देखिए फोल्ड कर लेंगे, देखिए कितना ईजी है। अब ये फोल्ड करने के बाद यहाँ दबा दें अब जब दबा दिया तब आप क्या करेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा पानी लगाएंगे और यहाँ थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे और अब ये देखें ये बन गया एक मोमो, सबसे इजी वाला। और अब थोड़ा सा छोटा पेड़ा लेंगे, वो जो लिया था ना उससे छोटा लेंगे। मैं वैरायटी बना लेती हूँ 2-3 तरह के, फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग बना लें। ड्राई फ्लावर में डाल देंगे तो ये देखिए बारीक सी रोटी हमने बना ली। हम इसमें वही डालेंगे अमेज़ा, लगाएंगे पानी वाला हाथ किनारियों पे। ये देखें यहाँ से उठाएंगे और एक पिंच लेंगे, दबा देंगे इसको। अब एक और लेंगे इसके बराबर में, यहाँ इसको भी दबा देंगे, फिर एक और लेंगे इसको भी दबा देंगे। ये देखिए 3 हो गई। अब एक और लेंगे और इसको भी दबा देंगे, जहाँ उसका एंड हो रहा होगा वहाँ इसका शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये एक दबा देंगे इस तरह से लेके। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को मिला देंगे। ये देखें इस तरह। तो ये एक अनदर इजी वे है बनाने का। अब हम एक और तरीका बनाएंगे। और ये सिंपल प्लेन ये यूं दबाएंगे। ये देखें तो ये एक अनदर वे हो गया। तो बस आपको जिस तरह से जो अच्छा लगता है बनाते जाए, जो सिंपल लग रहा है वो बना लें। तो बस देखें ये पोटली बनाई है और ये पोटली में सोने के सिक्के हैं। मेरे प्यारे प्यारे ईच व्यूअर्स को मैं ये भिजवा रही हूँ, इसमें प्यार है, मोहब्बत है और सोने के भी हैं। चले तो एक काम करते हैं कि इस ये हम बनाते रहेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पॉट रखा हुआ है और ये स्टीमर है। आप स्टीमर ना हो तो जैसे ये आपके पास पतीला हो तो ऊपर आप कोई सी भी छन्नी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टीमर हो। तो बहरहाल ये चूल्हे को हम ऑन करते हैं और इसमें हम अराउंड 2 कप पानी डाल देते हैं। तो आपका पतीला जो भी हो उसके अंदर आप 2 कप के आसपास पानी डालें, फिर ऊपर किसी भी तरह की छन्नी जो है वो रख लें
और इसको कवर कर लें। और इसको हम मीडियम लो अभी कर रहे हैं, और ये तो बनाना बाकी है। और कुछ हम जो राइस कुकर होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, उसमें बना रहे हैं, तो सेम उसमें भी इसी तरह का है कि छन्नी है, और यहाँ राइस कुकर के अंदर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। तो इसको ऊपर रखती हूँ मैं, और इसको भी ऑन कर देती हूँ। चले, ये आखिरी मोमो भी हो गया हमारा, और अब हम खोलते हैं। देखें, स्टीम बड़ी अच्छी सी आ रही है, और जो भी हमारी छन्नी रखी है या फिर जाली वाला जो भी बर्तन है उस पर ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो पहले से ही बाहर निकाल के रखें और ऑयल लगा लें, अगर ब्रश नहीं लगाना है तो हाथ से लगा लें ताकि चिपके ना। चले, ये अच्छे से हमने लगा लिया, और अब हम इसको इस छोटे वाले जो है ना Q2 को यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा फासले पर लगाएंगे। अब चूल्हा हमारा मीडियम पे है, और इसको कवर कर देते हैं थोड़ा सा। ये स्टीम जो आई हुई है इसको पोंछ लेते हैं थोड़ा सा, बाकी हर्ज नहीं है। और अब उस पर रखते हैं, तेल लगा लेते हैं। चले, इसको भी कवर कर देते हैं, और अब मिलते हैं 15 मिनट के आसपास। चले, मोमोज हमारे बड़े शानदार तरीके से, देखे वो यहाँ भी उबल रहे हैं, यहाँ भी उबल रहे हैं, तो हम इसकी एक ख़तरनाक सी चटनी बना लेते हैं। और यहाँ छोटे से एक पैन में हम डालते हैं 2 टीस्पून तेल, और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन, और 1/2 टीस्पून हरी मिर्चें। चलो, इसको हम ज़रा सा सॉटे करेंगे, 30 सेकेंड ही करेंगे, खुशबू रहने देनी है, जायका भी रहने देना है, बस थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा तो मज़े का लगेगा। चले, अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास नहीं है तो टोमेटो को बॉईल करके ग्राइंड कर ले, और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, लाइफ सेवर है। चले, साथ ही साथ इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, और 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अब चिली गार्लिक सॉस आप पे डिपेंड है कि आपको कितना अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना आपको डालना हो डाल दें। और अगर आपने मेरी चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी आप एक मरतबा बना लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ रहेगा तो महीनों महीनों तक रख सकते हैं और बड़े मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सिमर कर लेना है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए, चिली गार्लिक सॉस में भी नमक होता है, सोया सॉस हमने डाला है उसमें भी नमक है, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर डालें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ये सही लग रहा है क्योंकि दोनों चीज़ों में है नमक। चले, ये हो गया, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए, शानदार सा हमारा सॉस भी बन गया, बस अब मोमोज को 2-3 मिनट बाकी है, फिर देखेंगे उसको। देखिए, 15-20 मिनट हो गए, अब हम चूल्हा बंद करते हैं और खोल के देखते हैं कि क्या हाल है। ये देखें, जब आपके भी इसी तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाए तो समझ लें कि बन गए। तो चले, इसको निकालते हैं अब। चले, ये तो निकल गए सारे के सारे, और अब इसको देखते हैं इसके क्या हाल है। ये थोड़े बड़े भी थे और इसको हमने डाला भी बाद में था। देखिए, ये भी शानदार से हो गए, इसको भी ऑफ करते हैं,
बाहर निकालते हैं। देखा कैसे शानदार मज़ेदार झटपट हमने मोमोज बना दिए, वो भी आप लोगों की फरमाइश पर। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखें इतने मुलायम एकदम स्किन है और ढेर सारी स्टफिंग, मज़ेदार सी, शानदार सी, भर भर के जितना डालेंगे मज़ेदार इतने ही लगेंगे, वरना तो आटा आटा ही लगेगा। ये आप लोगों के लिए सॉस भी बहुत अच्छा है, भर भर के खाने से भी तेज़ भी नहीं लग रहा और जायका और भी ज़्यादा आ रहा है। अब आप लोग खा ही लें मेरे खाने में आज तक, चलो बना लें। चलो जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।